एसी में गैस लीकेज चेक करने के लिए आए अपन। कैरियर का जो है कैसेट एसी है, 4 टन का मशीन है ये। पाइप साइज भी देख सकते हैं यहाँ पे 3/8 3/4 है। तो अब यहाँ पे जो है गैस लीकेज है इसके अंदर, कूलिंग नहीं आ रही बोल के कंप्लेंट था, तो रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा समझो। तो अपने को आउटडोर पे थोड़ा सा डाउट दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल पैच है पूरा। तो अब इसको मैं जो है नाइट्रोजन होल्ड करके लीकेज चेक करता हूँ। लेकिन उससे पहले जो है ये जो यू विंडो में ब्लैक ब्लैक आ गया ना पूरा रस्ट, ये रस्ट पहले ही निकाल लेता हूँ। नाइट्रोजन डाले के बाद में रस्ट नहीं निकाल सकते अपन, नाइट्रोजन होल्ड करने से पहले ही इसको गर्म करना। बहुत सारे लोग लास्ट वीडियो पे जो है कमेंट कर रहे थे कि नाइट्रोजन होल्ड करके कैसा करते भाई बोल के, तो नाइट्रोजन होल्ड करने से पहले इसको गर्म कर लेना। इसके ऊपर का रस्ट निकालने के बाद में नाइट्रोजन होल्ड करना, चाहे नाइट्रोजन रहो चाहे गैस रहो, जो है प्रेशर रहे वक्त जो है पाइप को गर्म नहीं कर सकते। अगर पाइप को गर्म करे बोले तो ब्लास्ट हो जाता पाइप, प्रेशर जो है क्योंकि उसके अंदर हीट होता ना, पाइप हीट होते कि उसमें जो है कमजोरी आ जाती, जो प्रेशर रहता सडन ऐसा ब्लास्ट होकर मुँह पे मार देता हो। कौन सा भी प्रेशर रहो, चाहे अपने गैस रहो नॉर्मल या फिर प्रेशर रहो। तो बहरहाल अब जो है मैं इसका जो ये यू बंडा है ना पूरा देख सकते हो, ऑयल पैच है। तो नॉर्मली ये मॉडल में अपने को 99% या ऊपर के यू बंडों में इधर उधर कहीं ना कहीं तो लीकेज रहता। तो पहले इसको गर्म करके इसका रश वगैरह निकाल लेता हूँ, फिर देखेंगे आगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो है इसके जो बंडा है ना इसको गर्म कर रहा हूँ। तो ऑयल रहने की वजह से क्या है, आंच लग रही है इसको। तो ये जो ऑयल पूरा जो है अपन को निकालना है, निकाल के करके उसके बाद में लीक चेक करना है। तो बहरहाल एक बार पूरे यू बंडा गर्म कर ले तो मैं, यू बंडा पूरे गर्म करने के बाद में फिर देखेंगे नाइट्रोजन वगैरह होल्ड करने के बाद में लीकेज कहाँ मिलता क्या है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रस्ट जो है पूरा मैं क्लीन कर दिया। इसको गर्म करने के बाद में जो है ब्रश से सही मार दिया इसको, मारे तो जो है क्लीन हो गया। और अब अपन अभी गर्म करें ना, थोड़े थोड़े लाइट लाइट गर्म है, तो नाइट्रोजन अभी नहीं होल्ड करना है। या तो पानी डाल के ठंडा कर लेना इन लोगों को, या फिर जो है थोड़ा सा वेट कर लेना, वेट करने के बाद में नाइट्रोजन डालना। अब नाइट्रोजन कैसा डालना है वो देख लो एक बार। तो अपने पास जो है ऐसा क्या गेज है जो कि अपने को 500 का है, मैं दिख रहा हूँ मेरे ख्याल से, तो 500 या 800 का गेज यूज़ करना नाइट्रोजन डालने के लिए। वो 200-250 के गेज में जो है कांटा जल्दी आउट हो जाता, तो फिर भी 500 या 800 का गेज रहा तो थोड़ा अच्छा रहता। यहाँ पे जो है मैं नाइट्रोजन सिलेंडर ये है, तो ये जो है नाइट्रोजन में क्वांटिटी कम रहती लेकिन प्रेशर जो है बराबर उतना ही रहता, 1800 2000 1500 तो मिनिमम रहता समझो इसके अंदर। तो वही है अपन ज़रा छटके से दबा के खोल दियो तो फिर गेज आउट हो जाते, इसलिए बोल के क्या है गेज अगर आउट नहीं होना बोले तो ज़रा बड़े गेज से नाइट्रोजन का काम करना, या फिर जो अपन वो छोटा जो कंप्रेसर रहता ना उसको बना के भी कर लियो तो उसमें भी आराम से हल्लू 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 चढ़ते रहता, वो भी यूज़ कर सकते। तो बहरहाल यहाँ पे जो है मैं नाइट्रोजन की लाइन जो है यहाँ से लेके आके इधर कनेक्ट कर दिया, क्योंकि अपना जो है नाइट्रोजन का ये है आउटपुट के टाइप में, ये जो है इन है, यानी कि अपन जो है प्रेशर अगर चेक करने का है तो वो यहाँ पे लगाना पड़ता। तो यहाँ पे जो है मैं कनेक्ट करा सेक्शन के लाइन को, जो है रेड लाइन अपनी कनेक्ट है, यहाँ से सीधा आके नीचे कनेक्ट हो रहा है वो गेज को। तो अब जो भी अपने को प्रेशर चल रहा है यहाँ पे बताता, तो वो प्रेशर अपने को इंडोर के अंदर, आउटडोर के अंदर और कॉपर पाइपिंग के अंदर आ रहे बोले सर का। तो यहाँ पे जो है मैं नाइट्रोजन इसको कनेक्ट करके रखा, यहाँ से जो है सीधा नाइट्रोजन अपना जाता पाइपिंग में और कितना चढ़ रहा है यहाँ पे कांटे में बताते रहता। तो अभी जो है थोड़ा सा गर्म है पाइपिंग वगैरह, ज़रा ठंडी हो गई के बाद में जो है नाइट्रोजन डालेंगे अपन, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन होल्ड करने से पहले ये वाल ओपन है नहीं है वो भी चेक कर लेना ज़रूर से। अब जो है हल्लू हल्लू अपन नाइट्रोजन खोलेंगे, एकदम आराम से खोलना है, झट बोल के खोल दे तो गेज आउट हो जाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 चढ़ा, हल्लू हल्लू चढ़ता समझो, चढ़ा बोले तो एकदम चढ़ गया बोले सर का नहीं, तो आराम से चढ़ेंगे। और साथ ही साथ में जब नाइट्रोजन अपन होल्ड कर रहे ना तो एक चीज़ ये भी चेक कर लेना कि रिटर्न आ रहा नहीं आ रहा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो है सेक्शन से जा रहा ना अपने को, तो डिस्चार्ज के पिन ज़रा प्रेस करके चेक कर लेना, ऑयल मार दिया ऑयल, तो इसके अंदर पूरा ऑयल फेंक दिया है मशीन। ऑयल फेंकने के बाद में अब जो है प्रेशर आ रहा, कपड़ा लियो तो पूरा ऑयल आ गया है, तो प्रेशर तो आ रहा समझो। तो एक बार फ्लश भी करना पड़ेगा इसको मेरे ख्याल से। तो बहरहाल नाइट्रोजन ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे अपन, 100-200 उतना डालेंगे, डालने के बाद में चेक करेंगे लीकेज वगैरह। तो सर्फ वाटर में इधर बना के रेडी रखा, प्रेशर जो है चढ़ता रहता हल्लू हल्लू, चेक कर लेंगे एक बार। इधर हटा लो भाई एलपीजी,
तो लीकेज जो है पहले ही ट्यूबवेल में दिख रहा, वो बंद कर दो, नाइट्रोजन बंद करो। देख सकते हैं आप दिख रहा है कि नहीं कि, मगर तो पहले यू बेड में लीक मिल गया अपने को, हमारा डाउट था ही सब जो इसके ऊपर। अब साथ ही साथ में अब लीक मिल गया वाले सर खाने, दूसरे भी लीक ढूंढ लेंगे अपन, बोर है प्रेशर होल्ड करे सब को। तो पहले में तो है तो पूरा ऐसे नीचे तक चेक कर लेना, कोशिश ये करना कि ज़रा पानी डाल के चेक करना, तो पानी में क्या है ज़रा लीकेज मिल जाता। चलो अभी दूसरा तो कुछ भी लीकेज नहीं दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा यू बंडो में अगर मैं पूरा सही से चेक कर लेता हूँ, उसके बाद जो है इसको ब्रेजिंग मार देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे है लीकेज ऊपर, तो ये जो है ब्रेजिंग कर लेता हूँ। प्रेसिंग करने के बाद में फिर जो है प्रेशर दोबारा से होल्ड करके चेक करेंगे फिर से लीकेज हो रहा नहीं हो रहा। तो उसमें क्या है फाइनल अपने को मालूम आया था कुछ भी लीकेज रहा तो, अब एक बार ये जो है बंद कर दिया तो फिर और कुछ भी दूसरा लीकेज रहा तो वहाँ से जो है प्रेशर ड्रॉप होता अपने को। अब यहाँ पे जो है मशीन का पूरा प्रेशर उड़ा दिया मैं, जितना भी था जीरो कर दिया। अब जो है इसकी ब्रेजिंग करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। ब्रेजिंग करने से पहले जो साइडों के थोड़े बहुत जो फिन्स रहते ना, फिन्स निकाल दिया। और जो ब्रेजिंग ये साइड से करें तो हो सकता है ब्लेड के ऊपर आंच आ सकती, तो इसलिए मैं जो है ये साइड से कर रहा हूँ। और जो है थोड़ा बहुत बचा तो वो साइड से करेंगे, लेकिन पूरी ब्रेजिंग वहाँ से करें तो क्या है भाप मार के ब्लेड के ऊपर मसला हो सकता, तो इसलिए जो है ब्रेजिंग यहाँ से करेंगे। तो ब्रेजिंग टॉर्च अपनी यही है LPG कैन, तो आराम से हो जाती है समझो इससे ब्रेजिंग, मसला नहीं है क्या अभी। अब यहाँ पे जो है ब्रेजिंग कंप्लीट हो गया अपनी, तो पूरा यू बैंड को जो है सही मेटल डाल दिया भाई, अभी हीट ही है। अब यहाँ पे जो है अपने को यू बैंडों में अच्छा खासा फासला है, तो ऊपर का यू बैंड गर्म करे तो नीचे का तो गर्म नहीं होता, मतलब अगर इसको ब्रेजिंग मारे तो बाद मसलों में कैसा रहता मशीनों में, ऊपर का मारे तो नीचे लीकेज निकलता, फिर ये मारती कि इसमें लीकेज आता, तो वैसे सूरत में पूरे यू बैंडों को जो है ब्रेजिंग करना पड़ता। तो यहाँ पे वैसा कुछ भी शॉर्ट नहीं है क्योंकि अच्छा खासा डिस्टेंस है, और ये जो है यू बैंड अपने को ये रस्ट आने की वजह से नहीं हुआ समझो, बाद मशीनों में क्या है रस्ट आ जाता, रस्ट आके गल के जो है लीकेज आते, तो इसमें गलने की वजह से लीकेज नहीं हुआ, इसमें जो है वाइब्रेशन का मसला है। वाइब्रेशन हो के जो है ये जो सामने का कवर रहता ना, अभी ये 99 मशीनों में प्रॉब्लम है समझो, ये कैरियर के सेम ऐसे मॉडलों में मैं बहुत सारे मशीनों में गैस लीकेज करा ऐसे ही, तो यहाँ पे जो है अपने को वाइब्रेशन की वजह से जो इसका सामने का कवर रहता ना देख सकते, तो वो लगने की वजह से लीकेज हो रहा है। ये क्या हमारे हुसैन भाई ह्यूमन वेरिफिकेशन कर रहे हैं, पाइप टड्डा हुआ नहीं हुआ बल्कि ये भी शोएब भाई से हमारे, और एक शोएब भाई तो हो गया भाई ठंडा। अब जो है फिर इसके अंदर नाइट्रोजन होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद में फिर से जो है लीकेज वगैरह चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है नाइट्रोजन होल्ड कर दिया हमें 350 के ऊपर, ऐसा होल्ड करा 350 ही समझ लो एग्जैक्टली। तो अब जो है लीकेज चेक कर लेंगे, पहले यहाँ पे लाइन में जो है चेक कर लेता हूँ। वैसे तो पहले ब्रेजिंग में चेक करना, लेकिन जो है ब्रेजिंग का डाउट तो नहीं इधर होता था राइट, यहाँ पे भी जो है कुछ भी अपने को लीकेज नहीं है। अब एक बार जो है फाइनल अपन जो ब्रेजिंग करें वो चेक कर लेंगे, इसके साथ में दूसरे यू बैंड में भी चेक कर लेंगे। तो अपन ये जो है ये टाका मारे तो देख सकते हैं कुछ भी लीकेज नहीं है इसके अंदर, ज़बरदस्त तरीके से हुई ब्रेजिंग भी, पूरा यू बैंड को गोल मार दिया सब टाका में। उसके बाद साथ ही में दूसरे भी चेक कर लेंगे, दूसरों में भी नहीं है। तो अब जो है मैं प्रेशर एक आधे से पौन घंटा या फिर एक घंटा ऐसा होल्ड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे और भी दूसरे काम है अपने को, तो जब तक जो है प्रेशर होल्ड रखता हूँ, होल्ड रख के फिर उसके बाद में प्रेशर उड़ा के वैक्यूम वगैरह लगाएंगे। तो बहरहाल ये चीज़ समझो अपने को लीकेज मिल गया, और इसमें मेन मसला क्या है बोले तो गैस कौन सी है वो नहीं मालूम है मशीन के अंदर, अब यहाँ मसला कहीं को हो गया वो बोले तो
ये जो है पूरा मशीन को पेंट मार के रख दिए, और जो है लाइन यहाँ पे 22 की लग रही। अभी कैरियर के मशीन में अपने को कंफर्म नहीं है समझो, 22 की लाइन लग के 410 गैस रह सकती, लेकिन मसला यहाँ पे स्टिकर वगैरह कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पे है ना बैक साइड में कुछ भी स्टिकर है देख सकते हैं, और ना यहाँ पे जो है कंप्रेसर पे कुछ भी लिखा हुआ है। लुब्रिकेशन से अपन ये क्या है ऑयल से भी मालूम कर सकते हैं बोल के बोलते बहुत सारे लोग। अब इसमें जो है अपने को दो किस्म के ऑयल आते ना, तो वो भी देख के मालूम कर सकते हैं 22 है या 410 है बोल के। अब यहाँ पे तो कुछ भी उतना खास लिखा हुआ नहीं है अपने को, देखेंगे। अब बाजू जो है और एक मशीन अच्छा है, किस्मत अच्छी है अपनी, ये मशीन रनिंग है, तो अब इसको ऑन करके इसका जो है सक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर वगैरह चेक कर ले, तुम्हें चेक कर लेके कौन सा गैस है कंफर्म आया था, तो वो तो गैस फिल करते वक्त चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ भी लिखे हुआ भी नहीं है। अब यहाँ पे जो है ये है मसला, एक बार इंडोर का भी कवर एक बार चेक करता हूँ, रहा तो क्या है बाज़ मशीनों के इंडोर के कवर पे रहता अपने। अब यहाँ पे भी जो है इसके कवर को पूरा पेंट मार के रखती है, नहीं तो कैरियर वाला क्या है दो तीन जगहों पे गैस का नाम लिख के लगा था, या तो यहाँ नीचे देता या फिर वॉल के ऊपर देता। अभी यहाँ पे जो है पूरा पेंट होने की वजह से कुछ भी नहीं है समझो, इसका मॉडल नंबर वगैरह का स्टिकर भी जो है ये साइड के कवर पे रहता, जो कि कवर यहाँ पे है अपने को, या साइड में कवर पे रहता था समझो, यहाँ पे रहता था स्टिकर इसका, देख सकते हैं स्टिकर तो है लेकिन जो है पूरा पेंट मारने की वजह से अपने को दिख रहा नहीं वो। अब करके आ भी नहीं सकते अपन, सेम मॉडल यहाँ तो है। अब दूसरा अगर कोई ऑप्शन है भाई लोगों को मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि अगर ऐसा अपने को स्टिकर कुछ भी नहीं रहा तो कैसा मालूम करना। अब यहाँ पे तो गैस लीकेज है पूरा, मतलब जीरो गैस ही समझो इसके अंदर आए के बाद अपन चेक करें तो। अब कौन सी गैस है वो तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं तो 32 22 410 तीन भी ले गया, बाजू जो है सेम मॉडल है, जो भी गैस निकली डाल देंगे बोल के। अब 32 रही बोले तो उसको तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 32 है 410 है उसमें भी कन्फर्म नहीं हो सकता, लेकिन जो है कैरियर के जितने भी मशीनों पर अपन काम करें इससे पहले इसमें तो 410 गैस निकली अपने को, 99% जो भी ओल्ड वीडियोस है वगैरह उसमें भी देखे चुके 410 गैस है अपने को ऐसे के मॉडल में। लेकिन ये जो है थोड़ा 8-10 साल पुराना मॉडल है, तो इसमें देखना है अपने को अब कौन सी गैस है क्या है सो। तो ये मशीन ऑन करे वक्त तो मालूम आया था। बहरहाल अब जो है थोड़ा प्रेशर होल्ड रखेंगे, प्रेशर यहाँ पे देख सकते बता दे तुम्हें कितना है, 350 के जीरो के ऊपर है समझो, दिख रहा हूँ यहाँ पे तो 350 के जीरो के ऊपर है। अब आगे देखेंगे अपन फिर एक घंटे दो डेढ़ घंटे के बाद में, प्रेशर अगर ओके रहा बोलो तो फिर कवर वगैरह पैक करके वैक्यूम लगा देंगे इसको। तकरीबन 2 घंटे हो गए, 2 घंटे के बाद में जो है अपन प्रेशर चेक करने के लिए आए, तो प्रेशर जो है एग्जैक्टली बराबर है, 350 के जीरो के ऊपर था, 350 के जीरो के ऊपर है। लंच मंच वगैरह सब हो गया समझो, अपन जो है मेरे ख्याल से 11:30 को डाला में, अब जो है 12:30 बज रहे समझो, तो 2.5 घंटे हो गए। तब इसका जो है मैं प्रेशर उड़ा देता हूँ, उड़ा दे के वैक्यूम लगाना है। तो पहले क्या करता हूँ मालूम, ये मशीन ऑन करके इसका प्रेशर वगैरह चेक करेंगे अपन। नाइट्रोजन तो उड़ा देता हूँ, जब तक नाइट्रोजन उड़ाए के बाद में देखेंगे मसला। तो अब जो है यहाँ पे बाजू के मशीन का प्रेशर चेक करने वाला हूँ, तो अपन पहले स्टैंडिंग प्रेशर चेक कर लीजिए कितना है क्या नहीं। तो 150 स्टैंडिंग प्रेशर है इसका, तो 22 गैस दिख रही है, एक बार ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद में जो है 100% कंफर्म आया था। अब इसका जो प्रेशर है मैं पूरा उड़ा दिया, कहीं को बोले तो ये जो है दोनों का एमसी भी एक ही जगह है, तो अब ये ऑन करे वक्त ये ऑन हो गया तो मसला आया था वही बोल के जो है। अब नाइट्रोजन रहे वक्त ऑन करे बोले तो कुछ तो भी फिर मामले हो जाते, इस वजह से जो है मैं इसका पूरा प्रेशर उड़ा दिया, क्योंकि प्रेशर भी ओके था, सिंगल PSI भी जो है अपना ड्रॉप नहीं हुआ, सिंगल PSI भी जो है कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ। ड्रॉप नहीं हुए तो अपन क्या है थोड़ा अपने को 100% कन्फर्म हुआ, एक ही लीकेज था वो जो है अपने को यूबेंड पे था, और वो यूबेंड को भी जो है कुछ भी सेफ्टी के लिए लगाना पड़ता सामने, जैसा कि अपने को रबर के बुश वगैरह आते ना, जैसे अपने कंप्रेसर के ये साइड में ऐसा लगे हुए रहते वाइब्रेशन होकर नहीं कटना बोल के, तो वैसा कुछ ना कुछ तो उसको सेफ्टी करना पड़ता, नहीं बोले तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर जो है थोड़े दिन में लीकेज हो जाता, तो उसको वो अपन करेंगे। अब यहाँ पे जो है इसका प्रेशर पूरा जो है उड़ा दिया मैं, अब यहाँ पे जो है अपने को स्टैंडिंग प्रेशर इसका 150 आ रहा। अब एक बार मशीन ऑन हुए वक्त अपने को 100% कंफर्म हुआ था, कंफर्म तो हो गया मेरे को 22 गैस ही है बोल के, नहीं बोले तो अगर क्या है अपने को अगर 32 या 410 रहता तो 200 के ऊपर रहता था, 230 240 250 रहता था। अब यहाँ पे जो है प्रेशर
थोड़ा सा यहाँ पे, अगर भाई लोगों को किसी को भी अगर मालूम है कि अब देखो यहाँ पे 200 से 250 के बीच में बता रहा है प्रेशर, तो फिर जब कैसा मालूम करना है ये 32 गैस है या 410 गैस है कैसा मालूम करना, वो थोड़ा अगर मालूम है किसी को तो कमेंट करके बताओ। अब जो है अपन तो इन्वर्टर है या फिर नॉन इन्वर्टर है उसके हिसाब से चेक कर लेते समझो। आमतौर पर जो है इन्वर्टर एसीओ में अभी ये ब्लू स्टार वगैरह में जो है 32 ही आ रहा, ऐसे बड़े मशीनों में 410 जो है बहुत ही कम आ रहा समझो। अगर नॉन इन्वर्टर रहा आजकल के जो न्यू मॉडल्स आ रहे अपने को उसमें 410 आ रहा है कैरियर के मशीनों में, ये जो मॉडल है अपने को 410 गैस आ रहा उसके अंदर। बहरहाल अब जो है एमसीबी तो ऑन हो गया इसका, इंडोर अब ऑन होते गए इसका जो है अपने को मालूम आया था प्रेशर अपने को 150 है ना जो सक्शन प्रेशर है इसका, कम हो के जो है 55, 60, 70 यहाँ तक आ सकता, देख लेंगे अपन रनिंग में एक बार। जो है आउटडोर ऑन हो गया और रिटर्न जो प्रेशर है 55 ही आ रहा, अभी हल्लू हल्लू जो है बढ़ता है एक बोले तो अभी जस्ट ऑन हुआ है आउटडोर, देखेंगे अब। अब तो अपने कन्फर्म हो गया कि इसके अंदर जो है 22 गैस है बोल के, इसके अंदर भी तो सेम है अपने को पूरा मॉडल नंबर वगैरह इसका कंप्रेसर वगैरह के हिसाब से। बाकी का जो है आउटडोर पे भी स्टिकर नहीं है, इंडोर पे भी स्टिकर नहीं है, इंडोर पे भी कुछ भी लिखे हुआ नहीं है सब, जो गैस वगैरह इंडोर भी चेक कर लिया मैं इसका। तो अब जो भी अपने को ये आउटडोर से मदद मिल गई 22 गैस निकला इसके अंदर तो अपन डाल दे रहे 22 गैस। बाकी अगर आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आया तो आप लोग कैसा सॉल्व करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई आप लोगों का ओपिनियन। का कवर पैक करने से पहले यहाँ पे जो है मैं ये लगा दिया जो अपना रबर का है ना ये, तो ये ऐसा नीचे आ जाता अपने को, उसके बाद में जो है ये शीट आती यहाँ पे, लास्ट टाइम जो है ये शीट को लग के लीकेज हो गया था, तो ये शीट आने के बाद में इसके ऊपर से ये जो कवर है ना ये कवर आ जाएगा। तो बहरहाल ऐसी की कुछ फिटिंग होने वाली है, यहाँ पे लीकेज नहीं होना बोले सर का, मैं ये ऑलरेडी लगा दिया है तो इसको सही सेट कर देता हूँ केबल टे और एक को मार के था। मेन क्या है वाइब्रेशन मैंने इसको टच हो रहा समझो बॉडी को, जिसकी वजह से लीकेज आ जा रहा था अपने को। तो बहरहाल अब जो इसको कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करके फिक्स कर देंगे अपन, तो ऐसे का कुछ भी जुगाड़ कर लेना है समझो, जुगाड़ कर लेके लगाने का है। साइड में भी हो सकता है यहाँ से भी लीकेज आता होगा तो यहाँ पे भी कुछ भी लगाना पड़ता, लगा के करके जो है फिर अब वैक्यूम लगा देता हूँ मैं, लगाए के बाद में डायरेक्ट गैस डालते वक्त मिलेंगे फिर अपन। मैं वैक्यूम लगा रहा हूँ अपना जो है प्रेशर पूरा जब भी चढ़ा दिया था मैं उसका, गैस भी अपने को मालूम हो गया और जो है आउटडोर भी सही तरीके से पैक हो गया पूरा। और यहाँ पे जो है थोड़ा प्लास्टिक का एक टुकड़ा मिला था वो भी लगा दिया मैं, बॉटल गिलास का जो रहता ना, और साथ में वो जो अपना पीवीसी का पाइप रहता ना जो पानी भरने का पाइप, वो पाइप भी जो है कट करके थोड़ा टुकड़ा लगा दिया ताकि वाइब्रेशन में जो है फिर से यू बटनों को नुकसान न होना। तो यहाँ जो है गैप नीचे अच्छी खासी छे देख सकते गैप, लेकिन जो है ऊपर जाते जाते ज़रा गैप कम हो जा रही हो, गैप कम होने की वजह से जो है ऊपर में लग रहा है, या नीचे तो उतनी खास कुछ भी मसला नहीं है, गैप अच्छी खासी है सामने देख सकते, ऊपर में गैप नहीं थी तो ऊपर जो है अपन पाइप का थोड़ा टुकड़ा लगा दिया जिसकी वजह से डिस्टेंस बन गया समझो इसके जो कॉइल है ना कॉइल के और इसके बीच में। और यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा मैं गैप रख दिया, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो अच्छी खासी गैप है समझो अपनी उंगली जा रही है इसके अंदर। तो बहरहाल अब ऐसा करें तो क्या है नेक्स्ट टाइम फिर लीकेज सेम जगह पे नहीं आता, आए तो कहीं दूसरी जगह से लीकेज होना। तो बहरहाल अब वैक्यूम लगा रहा हूँ, वैक्यूम लगाने के लिए सेम है जो अपन कनेक्ट कर लें वो जो है सेक्शन को कनेक्ट करें, कनेक्ट करके गेज को कनेक्ट करा उसके बाद में सीधा आके अपने वैक्यूम पंप पे कनेक्ट है कनेक्ट कर देता हूँ। और एक बार जो है कटिंग प्लेयर वगैरह से टाइट कर लेना, तो लाइन वगैरह टाइट कर लेना और जो है गेज ओपन करके रख लेना। अब इसमें ऑयल है बोल के मैंने अच्छा खासा धुआं खींच रहा अभी, अब मैं इसमें फ्लश भी मारा जो है डिस्चार्ज के पाइप से जो है जो भी नाइट्रोजन था उसको फ्लश करा, फ्लश करने पे जो है निकला बहुत सारा ऑयल निकला देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल पूरा, तो ये फ्लश करे से चाहिए पूरा पूरे कपड़े वपड़े भी ख़राब हो गए समझो, तो ऑयल अच्छा खासा है। तो ऑयल जो है 22 का एक मशीन है बोले सर का कन्फर्म हो गया समझो, वैसे तो खास 22 के लिए ऑयल नहीं आता, अब ये जो इसका आउटडोर नीचे है इंडोर ऊपर है तो जिसकी वजह से जो है इन्हें ऑयल जो फेंक देता ना वो रिटर्न आके पाइपों में रुके हुआ है समझो, फिर मशीन एक बार ऑन हो गया तो एक्यूमुलेटर वगैरह में ऑयल आके खींच लेता समझो सेपरेट हो जाता, इसमें मसला क्या भी नहीं है। बहरहाल अब जो है वैक्यूम लगा दिया मैं, वैक्यूम जो है लगाया हुआ सर 0 पे था, अब हल्लू हल्लू देख सकते माइनस में चले आ रहा है। अब ऐसी जो है आधा घंटा वैक्यूम लगाता हूँ, 30 मिनट ऐसा वैक्यूम लगाने के बाद फिर गैस वगैरह डाल देंगे, फिर अब गैस डालते वक्त देखेंगे मसला। जो है वैक्यूम कंप्लीट हो गया ऑलरेडी जो है 45 मिनट्स हो गए, बाजू और एक डाइकिन का एसी में गैस लीकेज था तो उसमें भी जो है नाइट्रोजन होल्ड वगैरह करके जो है अपन लीक टेस्टिंग कर लिए, और एक लाइन गैस है अपने पास तो उतनी देर में जो है इसका भी हो गया, तो वो भी वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो देखेंगे अपन। चलो कटिंग प्लेट से खोलो सामने का लाइन लगाओ इसको, तो अब जो है वैक्यूम कंप्लीट हो गया कैसा मालूम अपने को, और एक कंफर्म करने के लिए अपन देख सकते हैं मैं यहाँ पे गेज जो है बंद कर दिया,
गैस बंद करने के बाद में वैक्यूम पंप की आवाज़ देख सकते हैं एकदम बहुत हल्की आ रही, और जो है गैस खोलने पे भी सेम आवाज़ आना अपने को देख सकते हैं। गैस में ओपन कर दिया, ओपन करने पे भी जो है आवाज़ सेम है, यानी कि अपना जो है 100% वैक्यूम कंप्लीट हो गया। और जो है बहुत सारे लोग माइक्रोन गैस वगैरह भी लगा के वैक्यूम करते, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पास क्या है वैक्यूम पंप है। अब बहुत सारे लोगों में वैक्यूम पंप भी नहीं रहता, तो ये बड़ी चीज़ है समझो। तो बहरहाल वैक्यूम कंप्लीट हो गया अपना, लाइन बंद कर देता हूँ मैं वैक्यूम का। गैस बंद करने के बाद में अब जो है अपने को वैक्यूम पंप बंद करना है। वैक्यूम पंप बंद करने के बाद में लाइन डिस्कनेक्ट करना है इसकी, ज़बरदस्त गर्म हो गया है। अब जो है सिलेंडर को कनेक्ट कर लेना है, बस बस कनेक्ट कर। सिलेंडर कनेक्ट होने के बाद में सिलेंडर ओपन करके फिर पलटा लेना है सिलेंडर को, क्योंकि अपने को इसमें जो है लिक्विड चार्ज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं R22 गैस है जो कि मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ मशीन के अंदर। चलो राइट, अब जो है हम लोग तो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का सिलेंडर की रहता, की से भी खोल सकते। अब जो अवेलेबल रहा उसे खोल लेना, बस है भाई, बस है, बस है भाई। जो है सिलेंडर पलटा दिए, पलटाने के बाद में चलो पकड़ो। अब यहाँ पे जो है इसका जो एक्स्ट्रा वेपर है ना वो रिलीज़ करना है। अब यहाँ पे जैसा लिक्विड आया ना वैसा लिक्विड आने के बाद में अब जो है सिलेंडर खोलना है, वॉल खोलना है इसका राइट। वॉल खोल दिया अपन, अब जो है इसके अंदर गैस डाल रहे हैं। तो अब गैस कितना डालना है क्या है वो जो है अब अंदाजे से डालना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिकर वगैरह भी नहीं है। अब ये 4 टन का मशीन बोले तो 2.5 से 3 किलो तक गैस आती है इसके अंदर, तो 2.5-3 किलो गैस बोले तो 1 मिनट में अपने को चले आता, या फिर जो है प्रेशर के हिसाब से भी डाल सकते थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे जो है अपने को कितना आ रहा, 70 आ रहा, तो 120 ऐसा डालता हूँ मैं, 100 तक डाल देता हूँ, 100-110 ऐसा डाल के ऑन कर देता हूँ। फिर उसके बाद में जो है आराम से एम्स वगैरह चेक कर लेते हुए टॉप अप कर ले सकते, मसला क्या भी नहीं है सब जो उसके अंदर, क्योंकि 22 गैस है, 22 कौन सा भी रहो, 22, 32, 410 आराम से अपन जो है गैस डालने के बाद टॉप अप कर सकते, मसला क्या भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब 95 आ रहा, और थोड़ा डाल देता हूँ, राइट 100 आ गया। अब थोड़ी देर छोड़े तो वो 100 के ऊपर चले आता, जब तक जो है मैं मशीन वगैरह ऑन कराया था। जाओ भाई एमसीबी क्या है ऑन कर दो इसका, और आते वक्त एम्स मीटर ले लेके आओ। तो यहाँ पे जो है एम्स वगैरह चेक करते अपन गैस डालेंगे। तो अब इसमें जो है अपने को ये मशीन का एम्स अगर नहीं मालूम है तो बाजू के मशीन का एम्स वगैरह भी चेक करके उसके हिसाब से इसको कंपेयर कर ले सकते। मेरे हिसाब से तो जो है 9-10 एम्स लेंगे ये मशीन, अब ये पुराना है 22 का मशीन है, ज़्यादा भी ले सकता, 11-12 तक भी जा सकता। बहरहाल अब जो है अपने को 9-10-11 में अगर रिटर्न ज़बरदस्त आ गया, कूलिंग अच्छी आ रही बोले तो बस छोड़ दो तुम्हें। बहरहाल अब जो है गैस तो जो है अपन नॉर्मल डाल दिया एडिशनल 100 पे, अब जो है रनिंग में टॉप अप करेंगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अगर रिटर्न नहीं आया तो, रिटर्न आ गया बोले तो बहुत अच्छी बात है, देखेंगे पहले ऑन तो कर लेंगे एक बार। अब यहाँ पे एम्स मीटर भी जो है सेट कर दिया हमें, एम्स मीटर जो है रेड फेस पे लगाया, यहाँ पे देख सकते हैं 3 फेस का मशीन है ये, रेड येलो ब्लू RYB ब्लैक न्यूट्रल है। तो रेड फेस पे जो है एम्स मीटर लगा के सेट कर दिया, इसके बाद में येलो ब्लू तीनों के भी चेक कर लेंगे अपन। ऑन कर दिया रिमोट से, राइट ऑन कर दिए कहते मशीन, देखना अब 2 से 3 मिनट में मशीन ऑन हो जाता, देखेंगे अभी। अभी भी जो है 100 पे रिटर्न, राइट अब यहाँ पे जो है मशीन ऑन हो गया, 100 से जो है रिटर्न कम आना शुरू हो गया। और एक बार एम्स भी चेक कर लेंगे, एम्स जो है 6.9 एम्स ले रहा, 7 एम्स। तो अब देखेंगे थोड़ी देर चला के कितना रिटर्न आने वाला है क्या है। अभी तो जो है रिटर्न नीचे आ रहा अपने को, जो है ये 100, 150, 200 का है, तो ये जो गाड़ियाँ रहते अपने को 5-5 के रहते, तो अब इसके अंदर कितना आ रहा रिटर्न अपने को, 5, 10, 15, 20, 25 आ रहा फिल वक्त, 30, 35, 40, 45, 50 देखेंगे अब, 25 आ रहा फिल वक्त तो रिटर्न। अभी थोड़ी देर चलेंगे और जो है अपने को डिस्चार्ज के वक्त पे हल्का सा आइस आ रहा दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, और एम्स जो है थोड़ा कम हो गए, 6.6 ले रहा। चलेंगे थोड़ी देर चलाने के बाद में, फिर उसके बाद अगर कुछ भी टॉप अप करना है तो करेंगे, अभी कर दे तो मैं टॉप अप करना है तो, लेकिन जब आराम से भाई, लेकिन जो है इमिडिएटली कुछ भी नहीं करने का है अपने को, एक जो है 2 से 3 मिनट तो चलाना मशीन कम से कम, 2-3 मिनट चलने के बाद में जो गैस का सर्कुलेशन है वो सही हो जाता,
हीट भी जो है थोड़ी नॉर्मली चाह रही, उतनी ज़्यादा नहीं आ रही इसके जो है कंपेयर करें तो, जो है आ रही हल्लू 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 हीट बढ़ रही समझो। और मशीन भी जो है सर्विस करे सो है, इंडोर आउटडोर दोनों भी जो है क्लीन है अपने को। गैस चार्जिंग करते वक्त ये चीज़ ज़रूर से ध्यान में रख लेना कि इंडोर आउटडोर का जो कंडीशन रहता ना वो अच्छा रहना। वो सेक्शन को भी देख लेंगे, उतना ज़्यादा चिड़ने हो रहा तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी गैस डलेंगी इसके अंदर। और तो देख सकते हैं स्टार्ट हुए वक्त अपने को 25 आ रहा था, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 अब 35 आ रहा अपने को, 40, 45, 50 तीन बचे हुए देख सकते। तो अपन इसको 55, 60 रखने का है तो भी डाल लेंगे, थोड़ा सा लाइट डालता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डालता हूँ। अब जो है 40 आ रहा है इसके अंदर, अब चलाएंगे इसको थोड़ी देर चलाएंगे तो 40 आ रहा रिटर्न। अपन मैनुअली जो है 40 करें इसको, एम्प भी जो है उतने ही रुके हुए 6.8, 6.9 पे एम्प्स रुके हुआ है। डिस्चार्ज पे तो अब बर्फ़ नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा आइस आ रहा था इसके ऊपर। सक्शन जो है उतना खास फील नहीं दे रहा अभी जो है, देखेंगे थोड़ी देर चला के कुछ एम्प्स वगैरह बढ़ते क्या क्या है। तो रेड फेस के ये एम्प्स है, फिर येल्लो के अपने को 4.95 एम्प्स है, और ये जो है अपने को ब्लू है, ब्लू के जो है 5.3 ऐसा एम्प्स है। तो सबसे ज़्यादा अपने को रेड पे 6 एम्प्स, 6.97 एम्प्स रेड फेस पे। तो देखेंगे थोड़ी देर चलाएंगे, चलाने के बाद में फिर अगर कुछ भी डालना पड़ा तो और थोड़ा गैस डालेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिटर्न जो है अपने को हल्लू हल्लू बढ़ के यहाँ तक आ गया, 50 तक आ गया, बस ये 50 अपने को। अब जो है हल्लू हल्लू उन्हें 60, 65 आया था, नहीं आया तो मैं उसको टॉप अप करके डाल देता हूँ। तो 7.4 एम्प्स ले रहा, तो 8 एम्प्स 9 एम्प्स तक जाएगा अपना मशीन मेरे ख्याल से। तो बस 4 टन का मशीन का इतना ही समझो, अगर कुछ भी स्टिकर नहीं रहा तो अपन क्या करें बाजू के मशीन से इसका गैस मालूम करके 22 गैस फिल कर दिया और सक्सेसफुल हुआ 22 अपने को। यहाँ पे जो है R22 का ही मशीन है, ये रिटर्न वगैरह से भी मालूम हो गया। तो अब जो है ये मशीन का तो मैं 22 का प्रेशर वगैरह चेक कर लेके मालूम कर लिया, लेकिन दूसरा जो है ऑप्शन तो अब मेरे को तो फिलवक्त के लिए मालूम नहीं है। देखेंगे फ्यूचर में अगर किसी से कुछ भी मालूम हुआ तो आप लोगों को मैं जानकारी वीडियो के जरिए ज़रूर दे देता हूँ। बहरहाल वीडियो पसंद आया होगा, इसके अंदर जो है अपन लीकेज कैसा फाइंड करें, फिर उसको ब्रेजिंग कैसा करें, फिर लीक टेस्टिंग वगैरह कैसा करें, वैक्यूम जो है, फिर गैस चार्जिंग का पूरा वीडियो डिटेल में देख लेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो है नेक्स्ट डाइकिन इन्वर्टर का वीडियो आने वाला है, इन्वर्टर का भी गैस लीकेज का प्रॉब्लम था, तो जो है सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।